एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमिंग अराउंड। तो आज का वीडियो मैं क्वेश्चन के साथ शुरू करने वाली हूँ। क्वेश्चन ये है कि हम में से कितने मॉमीज अपना स्किन केयर रूटीन सीरियसली फॉलो करते हैं, या फिर हमारा स्किन केयर रूटीन होता भी है या नहीं। तो ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी मॉमीज हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे और उनके दो मोस्ट कॉमन आंसर्स मुझे मिले। फर्स्ट आंसर, या स्किन केयर रूटीन के लिए टाइम किसके पास है, और सेकंड आंसर, पार्लर में जाके स्किन केयर कराना कितना एक्सपेंसिव है यार, विच इज ट्रू, बट मेरे पास आज एक सोल्यूशन है। तो कुछ दिनों पहले मेरे पास ये पीआर पैकेज डिलीवर हुआ। मैं बताती हूँ इस पीआर पैकेज में एक्चुअली है क्या। तो इस पीआर पैकेज में ये नेचर्स एसेंस के किट्स आए हैं, और इस पैकेज में टोटल में मुझे 5 फेशियल किट्स मिले हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ, 3 और ये 2। अब मैं बताती हूँ कि ये कौन कौन से किट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। तो ये है नेचर्स एसेंस वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट, नेचर्स एसेंस ग्लोइंग गोल्ड फेशियल किट, नेचर्स एसेंस जेंटल फ्रूट फेशियल किट, नेचर्स एसेंस ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट, नेचर्स एसेंस फ्लॉलेस पपाया फेशियल किट। सो बेसिकली ये पैकेज में ऑलमोस्ट नेचर्स एसेंस के जितने भी फेशियल किट्स अवेलेबल हैं वो सारे हैं, और सारे रेंज के फेशियल किट्स है। लाइक आपको नॉर्मल का भी, जो हमें नॉर्मल स्किन केयर करना चाहिए वो वाला फेशियल किट भी है, अगर हमें शादी या पार्टी में जाना है वो वाला फेशियल किट भी है। सो द किट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द फेशियल। आप सोचेंगे कि मैं ये सब आपको बता क्यों रही हूँ। तो मुद्दे की बात ये है कि मैंने आपको दो रीजंस बताए थे जो जनरली मॉमीज बोलते हैं। फर्स्ट थिंग कि टाइम कहाँ है, तो ये फेशियल किट आप घर पर यूज कर सकते हैं, आप घर पे खुद अपना फेशियल कर सकते हैं। सेकंड कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है फेशियल, तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये 260 रुपीज का पैकेट है, और ये जितने भी फेशियल किट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब 260 रुपीज के हैं। 260 रुपीज भी ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं उससे कम भी बता देती हूँ। उससे कम ये कि ये 3 times यूज पैक है, मतलब आप इससे 3 फेशियल कर सकते हैं। तो एक बार फेशियल करना ऑलमोस्ट 80 का पड़ा, इससे सस्ता क्या मिलेगा यार, इतने में तो थ्रेडिंग और अपर लिप्स भी नहीं होते। दीज किट्स आर सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, सो एनी वन कैन यूज देम एट देयर कन्वीनियंट टाइम एट होम एट ₹80 ओनली। तो अभी मैं इसके अंदर क्या है वो आपको बताती हूँ। ये वाला पैकेट ओपन किया है, फ्लॉलेस पपाया, और इसके अंदर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये जो है दिस इज D10 थेरेपी, और ये हर एक पैकेज के साथ फ्री आता है। उसके बाद ये क्लींजर, देन दिस इज एक्सफोलिएट दैट इज स्क्रब, देन दिस इज नरिश, एंड देन दिस इज पॉलिश। तो ऐसे कुछ ट्यूब्स आएंगे जो आप यूज कर सकते हैं घर पे फेशियल करने के लिए। अब मैं आपको ये वाला फेशियल किट अपनी स्किन पे यूज करके बताऊंगी। तो दिस इज माय बिफोर स्किन, एंड ट्रस्ट मी, मैंने अभी काफी टाइम से फेशियल नहीं कराया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फेशियल। अगर किसी को ये डाउट है कि मुझे तो घर पे फेशियल करना आता ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगी, तो वो भी इन लोगों ने बहुत ही सिंपल कर दिया। हर एक ट्यूब के पीछे डायरेक्शंस टू यूज दिए हुए हैं। सबसे पहले जो मैं यूज करूंगी वो ये D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क। ये इसलिए यूज करते हैं कि आपके फेस पे जितनी भी टैन है वो सारी हट जाए और नेचुरली आपके जो फेयरनेस और ग्लो है वो वापस आ जाए। ये मैंने लिया है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फेशियल इज क्लींस। तो मैं ये थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने फिंगर टिप्स पे लूंगी।
और ये क्रीम मैं अपने वेट फेस पे लगाऊंगी। और हमेशा याद रखें कि इसे अपवर्ड मोशन में ही लगाना है। सो नाउ द सेकेंड स्टेप इज एक्सफोलिएट। सो इस स्टेप में जनरली जितने भी ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं हमारे फेस पे वो सब निकल जाते हैं, क्योंकि ये स्क्रब करता है हमारे फेस को। जनरली नोज पे ब्लैक हेड्स होते हैं तो आप इस तरीके से हटा सकते हैं। इफ यू विश यू कैन टेक स्टीम ओवर योर फेस आफ्टर दिस स्टेप, तो वो और हेल्प करता है आपके ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने के लिए। मेरे स्किन पे अभी उतने ब्लैक हेड्स नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप इज मसाज। सो दिस ट्यूब कंटेन्स मसाज क्रीम, और ये स्टेप में हमारे फेस पे जो बहुत स्लाइट पिगमेंटेशन होता है या ब्लेमिशेस होते हैं वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये इस तरीके से अपने फेस पे आपको लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मसाज क्रीम अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है, कोई भी चिपचिपाहट नहीं है, और अभी स्टेप्स पूरे भी नहीं हुए हैं और मेरी स्किन ऑलरेडी ग्लो कर रही है। और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे कुछ भी रेडनेस है, कुछ भी नहीं है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो सेंसिटिव है और जनरली मुझे फेशियल्स इतने इजीली सूट नहीं होते हैं। बट आई एम सो हैप्पी विद दिस नेचर एसेंस प्रोडक्ट कि मेरे स्किन को कुछ भी हार्म नहीं हुआ है, मुझे कोई इरिटेशन या फिर मेरे फेस पे कोई रेडनेस बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड स्टेप के बाद आपको अपने स्किन को वाइप ऑफ या फिर वॉश करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज वेल एब्जॉर्ब्ड इन योर स्किन। सो द फोर्थ स्टेप इज दिस, दैट इज पॉलिश। और इस ट्यूब में एक पैक होता है, फेस पैक, जो आपके स्किन को और क्लियर, स्मूथ एंड ग्लोइंग बनाता है। तो मैं ये अपने स्किन पे अभी अप्लाई करूंगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और इसे मैं अपने स्किन पे लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी। तो 5 मिनट हो गए हैं मुझे ये फेस पैक अप्लाई किए हुए और पैक जो है अच्छे से ड्राई हो गया है। तो आई विल जस्ट वॉश माय फेस एंड कम बैक अगेन। सो आई वॉश्ड माय फेस एंड आई फील सो सो गुड। यू कैन सी माय स्किन, इट्स सो सॉफ्ट, इट्स सो सपल। एंड मैंने इतने दिनों के बाद फेशियल किया है दैट आई फील इट्स नॉट माय स्किन ओनली। लास्ट स्टेप ऑफ फेशियल इज डू नॉट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन। सो आई एम यूजिंग माई मॉइस्चराइजर हियर। आई फील सो गुड आफ्टर दिस स्किन केयर। एंड लेडीज एंड मॉमीज, इट्स नॉट अबाउट स्किन केयर, इट्स अबाउट सेल्फ केयर। डू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ वंस इन अ वाइल बिकॉज यू डिजर्व इट। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स हाउ यू फाइंड दिस वीडियो। Do not forget to like it and share it with your friends. Don't forget to subscribe to my channel, Momming Around, for such more videos. Till then, bye bye.